ले गाइज, मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे तो पढ़ा ही दिया हूँ, अब मैं इसकी ड्राइंग शीट पर पढ़ा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं इसकी ड्राइंग, कि अगर लोअर टायर अपर टायर में भी अगर आपको मेन बार लगानी हो, बीच में स्पेशल लगाना हो, तो कैसे उसकी ड्राइंग बनती है। देखिए, जनरली मैंने बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे 1:20 बताया था, यहाँ पे जो इसके लिए 1:25। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो आपकी इफेक्टिव स्पेन है उसमें इंड कवर जोड़ करके 1:25 के स्केल पे चेंज करके यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे और इसकी जो आप सामने से देखेंगे हाइट देखेंगे, हाइट को स्केल पे चेंज कर यहाँ से यहाँ तक ड्रा करेंगे और इसी के रूप में एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेंगे, ठीक। उसके बाद नीचे 25 mm कवर छोड़ेंगे, 25 mm कवर स्केल पे 1 mm आएगा, 1 mm पे एक लाइन मोटी सी ड्रा करेंगे, फिर इसके ऊपर 15 mm, लगभग 1 mm से कम ही आएगा, तो उस उतनी छोड़ करके गैप एक लाइन मोटी सी ड्रा कर लेंगे, क्योंकि दोनों की जो डाया है आपकी 22 mm की डाया है, ठीक है, आपने ड्रा कर लिया। अब देखिए, जो नीचे मेन बार है और ऊपर एंकर बार है, इनमें अंतर है कि नहीं, क्योंकि ये हल्की सी ड्रा हुई है, ठीक। तो ये जो आपकी एंकर बार है, ऊपर से 1 mm छोड़ करके आप एक हल्की सी लाइन ड्रा कर लेंगे, किनारे पे यहाँ पे गाढ़ी हो गई है, क्यों, क्योंकि नीचे का जो मेन बार है ऊपर बेंड अप हो गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गाढ़ी लाइन से ड्रा किए हैं। तो आप इतना कर लेंगे, उसके बाद से बात आती है कि आप स्टिरअप कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो स्टिरअप आपकी इफेक्टिव स्पेन 6.20 है, अगर इसे आप स्केल पे चेंज करेंगे तो देखिए कितना आएगा, स्केल पे नहीं, इसे आप स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे तो जानते हैं नंबर ऑफ स्टिरअप्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टिरअप्स इक्वल टू इफेक्टिव स्पेन, देखिए 6.20 अपॉन स्पेसी जो स्टिरअप्स के बीच की स्पेसी ऑफ स्टिरअप्स 250 है, तो 0.25, क्योंकि ये भी मीटर में हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू आ रहा है 25.8 यानी 26, ठीक है। तो 26 सम है या विषम है, तो आप बोलेंगे कि अजी सम है। अब मैं 250 क्यों दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 150 भी सेंटर टू सेंटर यहाँ किनारे से जो है एक 1.6 मीटर की दूरी तक 150 mm सेंटर टू सेंटर स्ट्रेस प्रोवाइड किए गए। तो देखिए दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसे आप प्रोवाइड करेंगे, उसी के अनुसार आप डिजाइन करेंगे। तो 250 है तो इसके अनुसार कितना आएगा, 26, तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और उससे लेकर के यहाँ पे 26 आया था ना, 26, तो इस यहाँ से ये दूरी कितनी रहेगी, और ये दूरी जो फर्स्ट स्टिरअप्स के बीच की दूरी, देखिए ये मध्य नहीं है, क्योंकि मध्य आपका कहीं इधर ही कहीं आएगा, मानिए यहाँ पे आ गया मध्य, अब मध्य से इधर कितना रहेगा और इधर कितना रहेगा, वो दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो वो दूरी आप निकालेंगे 250 से ना, 250 को स्केल पे चेंज करेंगे 25:20 के, आएगा 10, ठीक है, 0.2 = 5, 5 mm की दूरी पे इधर, 5 mm की दूरी पे इधर प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद से 25 mm की दूरी पे प्रोवाइड करते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, तो सबसे पहले किनारे से 1:6 मीटर स्केल पे चेंज करके एक पॉइंट लगा लिए रहेंगे, मानिए वो पॉइंट आपका यहाँ आया, ठीक, तो आप प्रोवाइड करते ये पॉइंट यहाँ ना मानिए, सॉरी ये पॉइंट आप यहाँ मानिए, ये पॉइंट यहाँ आया, आप 25 mm की दूरी पे आए और जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे तो 25 mm क्या हुआ, 25 mm प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, मतलब 250 mm की दूरी पे कर रहे हैं तो इधर आ जा रहा है, तो आपने क्या किया, 150 mm को कन्वर्ट कर लिया किस पे, 1:25 के स्केल पे, और आप यहाँ तक तो दिए थे, तो यहाँ से आपकी 150 / 25 = 6 mm, फिर यहाँ से 6 mm की दूरी पर छल्ले प्रोवाइड करते जाएंगे, दोनों तरफ छल्ला प्रोवाइड कर लिया। उसके बाद से चूंकि लोअर टायर भी है और अपर टायर, देखिए ये है लोअर टायर, नीचे है इसके ऊपर अपर टायर है, और ये अब सपोर्ट से कितनी दूरी पे बेंट अप हुई है, चूंकि उनके जो 20 का एंगल होता है आपको बताया ही 45 डिग्री, तो जो इफेक्टिव स्पेन होगी, एक को जो लोअर टायर है उसे L/7 पे कर दीजिए, जो अपर टायर है L/4 पे कर दीजिए, अब ऊपर जाएगी तो मोटी गाड़ी लाइन हो जाएगी। ये आपको बात समझ में आ गए होंगे कि कैसे ड्रा करना है, ये ब्लैक बोर्ड वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसे एकदम कंफर्म हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ठीक है। इसे जनरली आपको बता रहे हैं कि कैसे लाइन ड्रा करते हैं, कैसे, ठीक है, कितनी मोटी लाइन, कौन सी थिक कितनी रहती है। अब आते हैं इसकी क्रॉस सेक्शन, एक YY पर देख लेंगे, एक XX पर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, ये सेक्शन एट YY, नाम तो आप लिख ही लेंगे, क्या है कि यहाँ पे ऊपर है 4 नंबर 22 mm डाया विद 2 बेंट अप बार, नीचे है 5 नंबर 22 mm डाया विद 2 बेंट अप बार, फिर इसके नीचे स्ट्रेट 2 बार
जो लोअर की दो बार है वो स्टेट चली गई है, अपर की जो दो बार है वो भी स्टेट चली गई है, ठीक है। ये आप सब चीज़ें लिख सकते हैं। इसके नीचे अब फिर इसकी क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे देखिए वाई वाई का किया है, तो वाई वाई पे सबसे नीचे पाँच यहाँ पे दिखाई देगा, इसके ऊपर चार दिखाई देगा, बीच में स्पेस है, तो नीचे यहाँ पे इसे स्केल पे चेंज करके बना ही सकते हैं। 1:10 का स्केल जनरल लेते हैं क्रॉस सेक्शन के लिए, तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 58 mm, ठीक। उसके बाद बीच में ये छल्ले प्रोवाइड कर लेंगे, छल्ला कैसे प्रोवाइड करेंगे, 25 mm का रहेगा, यहाँ से यहाँ 2.5 mm, यहाँ से यहाँ 2.5 mm, 2.5 mm पे बिंदी ले करके इसे मिला लेंगे, तो ये छल्ला प्रोवाइड हो गया। नीचे अब चूंकि यहाँ पे काट रहे हैं तो नीचे मतलब लोअर टायर कितनी है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच की स्पेसिंग नहीं दी हुई है, अपने हिसाब से आप ड्रा करें। सबसे पहले किनारे पे एक एक लगा देंगे इसके मध्य में, फिर इन दोनों के मध्य में लगा देंगे, आप ही के अनुसार भाई, आपको बस डिजाइन करनी हो, आप तो दिखा नहीं रहा, केवल आपको दर्शाना है कि हाँ इतने मेन बार हैं। इसके ऊपर क्या करेंगे, 15 mm की आप क्या कर लेंगे, 15 mm की स्पेसर बार आप यहाँ स्पेसर बार है यूज़ करेंगे, इसके ऊपर चार लगाएंगे, चार कैसे लगाएंगे, इन दोनों के मध्य में एक, इन दोनों के मध्य में चार हो जाएगा, इसके ऊपर दो एंकर बार, ये यहाँ का क्रॉस सेक्शन रहा। अब आते हैं एक्स एक्स पे क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो नीचे से दो बेंटअप हुई है, ऊपर से दो बेंटअप हुई है, तो नीचे के और ऊपर के दो बेंटअप बार ऊपर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये तो सेम रहेगा रेक्टेंगुलर शेप, तो सबसे नीचे कितने दिखेंगे, नीचे सबसे तीन दिखेंगे और इसके ऊपर चार थे, तो चार में से कितने दिखेंगे, दो दिखेंगे, तो नीचे का जो यहाँ का एक यहाँ का और एक यहाँ का बेंटअप ये बार है, ये ओवर ए, और इन दोनों के बीच का जो है ये ओवर ए, तो ये दो दोनों हैं, ये है अपर टायर और ये है लोअर टायर, इसे आप लिख सकते हैं। देखिए और ये एंकर बार है, देखिए इसको छोटी सी दिखाया हूँ और इसे थोड़ा बड़ा दिखाया हूँ। देखिए एग्जामिनर यही सब देखते हैं आप लोग कि कितनी शुद्धता से बना रहे हैं, कितनी प्रेसिस साइज से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको केयर करना। अब देखिए हल्की लाइन मोटी लाइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्ट्रिप से 6 mm ही है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ अच्छे से, देखिए लोअर टायर से स्ट्रेट बार 22 mm डाया, 3 है 15 mm डाया, स्पेशल बार है अपर टायर, तो ये आपका सेक्शन है वाई वाई रहा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे को सब्सक्राइब कर दिए और पास वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, आपको देखने के लिए धन्यवाद। देखिए आप सबसे पहले मेरे ब्लैक बोर्ड वाला बिजनेस की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कहीं आपका ड्राइंग समझ में आएगी, आप इस तरीके से मेरे से कोई भी अगर कह रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जी हमें ये कह रही है सर कैसे ट्राई ऐसे ट्राई, आप किसी भी कमेंट का हम आपको पढ़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर कमेंट करिए ना।